अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हमारी एमएस एक्सेल की छठी क्लास है और जिसके अंदर हमने आज पढ़ना है पेस स्पेशल कमांड। जैसे हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, मैं एक्सेल शीट की तरफ आता हूँ, आने के बाद यहाँ पर मैं चीज़ ले लेते हैं, ये चीज़ आ गई है इस वक्त, ये ब्लिंक कर रहा है कि यहाँ से मैंने इसको कर लिया जी, कोई ख़ास कॉन्टेंट को यहाँ से क्लिक कर लिया, मैं इसके अंदर जाता हूँ, ये देखिए जी कट है, कॉपी है, कट करेंगे तो यहाँ से उठेगा, उठ के जाएगा, कॉपी करेंगे तो यहाँ कॉपी होगा, ठीक है ना। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद जहाँ पे जाना है वहाँ जाके मैंने इसको यहाँ पे शो करना है जी, पेस्ट करना है, जिसके लिए ये देखो ये चीज़ यहाँ पर कॉपी हो गई, पेस्ट हो गई। अब ये देखो इसकी सेटिंग और इसकी सेटिंग देखें जी, ये किसी और तरह का आ रहा है, ये किसी और तरह का आ रहा है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, क्या हुआ बताना ये मकसूद है कि यहाँ पे इस एक्सेल शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट भी है, यहाँ पे इसकी सेटिंग भी है, यहाँ फॉर्मेटिंग कहते हैं फॉर्मेटिंग भी है, ये पूरी एक सेटिंग मौजूद है, फार्मूले लगे हुए हैं, सेटिंग मौजूद है, अच्छा वैल्यूज़ मौजूद हैं, फार्मूला वैल्यू, आपको फार्मूला चाहिए, वैल्यू चाहिए, फार्मूला इसलिए मैं कहता हूँ कि फार्मूला अगर कहीं और पेश करोगे तो ये फार्मूला तो डिपेंडेंट चीज़ है जो इस चीज़ से डिपेंड करेगी, लेकिन जब हम चले जाते हैं कि जब इस चीज़ से डिपेंड करेगी तो फार्मूला वो फिर कहीं और जाएंगे तो वैल्यू तो जीरो हो जाएंगी, क्योंकि वो डिपेंडेंसी जो जिस चीज़ को डिपेंड कर रहा है वो चीज़ वहाँ होगी नहीं, तो जमा करेगा जीरो शो करेगा। तो इसीलिए जब हम इसको चाहते हैं कहीं और पेश करें तो हम वैल्यूज़ को लेके जाने, फार्मूले को लेके जाने, ये भी डिसाइड करना हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिंपल सी बात, अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, जैसे इसको कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट है जी, कंट्रोल सी कर रहा हूँ, ये देखो इस वक्त जो ब्लिंक कर रहा है, जो बॉर्डर आ रहा है, इसका मतलब है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट है, जहाँ पर भी जाके पेस्ट करूँगा ये पेस्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह, दूसरे सॉफ्टवेयर में हम चले जाते हैं जी, चले जाने के बाद हम ये करते हैं कि एक दफ़ा कॉपी करने के बाद हम पेस्ट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पेस्ट इस वक्त तक होता रहेगा जब ये कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। अब इसको मैं जब भी पेस्ट करूँगा हो जाएगा, लेकिन मैं स्केप कर कैंसिल करके अब मैं पेस्ट करना चाहूँगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो सिलेक्शन जो है हमने कॉपी वाला इसको ख़त्म कर दिया है। इसलिए समझने के लिए तो सिंपल कॉपी पेस्ट हो, ये बताने की चीज़ नहीं है, आप करते आ रहे हो। दूसरी चीज़ में इसको एक ख़ास कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर कुछ बाई डिफॉल्ट चीज़ें हैं, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये इन्हीं में से हैं, इसको मैंने पेस्ट स्पेशल पाया, ये देखो पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का मतलब ये है, मैं कहता हूँ कि पूरे का पूरा पेस्ट करना है, सिर्फ फार्मूलाज पेस्ट करने हैं, सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करनी है, सिर्फ फॉर्मेट्स, सिर्फ सेटिंग पेस्ट करनी है, ठीक है जी। कैंसिल करें, मैं यहाँ पाया, यहाँ पाने के बाद हमने लिया पेस्ट स्पेशल पाया, सिर्फ मैंने कहा फॉर्मेट पेस्ट करना है, मुझे वैल्यूज़ देखे जी, वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मैंने कहा ये देखो ये सिर्फ फॉर्मेट आ गया, इसके अंदर लिखेगा तो भी ऐसे ही लिखेगा, मतलब फॉर्मेट जो सेटिंग है, देखो डॉलर का साइन लगा रहा है और इस डॉलर के साइन को भी पूरे फॉर्मेट नंबरिंग के साथ यहाँ पे इसको पेस्ट करेगा, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पाते हैं, सो हमने कॉपी किया हुआ, यहाँ पे स्पेशल पाते हैं, यहाँ पर हमने लेना है वैलिडेशंस, यहाँ पर वैलिडेशन लगे हुए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑल ऑल के अंदर हमने क्या कोई फार्मूले ऑपरेशंस क्या है, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कौन से हमने इसको करना है, ठीक है ना, ब्लैंक को स्किप करना है, ट्रांसपोज करना है, ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमने फार्मूला लगाया जी, वैल्यू लगाया, फॉर्मेट्स किए, कमेंट्स सिर्फ कमेंट को पेश करना है, वैलिडेशन को पेश करना है, ठीक है ना, फार्मूला सिर्फ वैल्यूज़ को पेश करना है, तो ओके करें, सिर्फ वैल्यूज़ पेश हो गई। अब यहाँ पर कोई फार्मूले की कोई वैल्यू होगी, सपोज करें मैं किसी वैल्यू को शो करा रहा हूँ आपको, यहाँ पे फार्मूले नहीं हैं, सब के सब जो है यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको यहाँ से मैंने किया, ये हमारे पास आ गया जी, ठीक है ना, इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है ना, इसको मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ से मैं पेस स्पेशल में आया, सॉरी, कॉपी करने के बाद जहाँ पेस्ट करना पहले जगह बताऊंगा, जगह बताने के बाद मैं पेस स्पेशल में आऊँगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ लिया, अब इसको वैल्यूज़ पेस्ट कर दिया, ये देखें जी यहाँ पे वैल्यू ज़रूर है,
यहाँ पे यहाँ देखो फार्मूला है बी टू प्लस सी टू है। अब यहाँ 2700 और ये 2700 चेक करें जी, यहाँ 2500 आया, यहाँ 200 आया, 2700 आया। तो मतलब ये है कि ये देखो यहाँ पे फार्मूला था, यहाँ पे ये चीज़ थी। अब इसको कॉपी करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पेस स्पेशल पाएंगे। ये देखिए जी, पेस स्पेशल का मतलब ये है कि इस पेस्टेड चीज़ के अंदर जो भी चीज़ें हैं इनमें से भी अगर कोई खाली एक चीज़ आपको चाहिए तो इसको यहाँ से करते हो, नहीं अगर सारे के सारे चाहिए तो कंट्रोल सी कर लिया, यहाँ पर कंट्रोल जैसा था वैसे ही कॉपी बनेगी। अब देखो ये भी वैल्यू सेम, ये भी यहाँ देखो ये मैंने वैल्यू पेस्ट किया, ये देखो पूरा पेस्ट किया, ये फिर H3 और L3 आ रहा है। ठीक है जी, तो हमने आज आपको एक तो हमने कॉपी पेस्ट स्पेशल कर लिया, और एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर सपोज करें कि हमारे पास एक चीज़ यहाँ पर आ रही है, वो ये है, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, फाइन रिप्लेस का, ये देखो ये फाइन एंड रिप्लेस का, फाइन एंड रिप्लेस आते हैं, ये था हमारे पास फाइन, ये बहुत अच्छी कमान है, खूबसूरत कमान है, इसको हम देखेंगे। फाइन में आए, फाइन में आने के बाद हमने कर लिया एलाइस मटन, एलाइस मटन। अब इसको फाइन नेक्स्ट करेंगे, ये देखो जहाँ जहाँ वन बाय वन दिखाता जाएगा। अब मुझे पता चला है कि एलाइस मटन जो है इसको नाम इसने चेंज किया है, इसने अपना, ठीक है ना, एलाइस फूड सर्विसेज हो गई है, एलाइस मटन चेंज हो गया है, फूड सर्विसेज हो गई है। तो हमने नेक्स्ट कर दिया, फाइन नेक्स्ट हो रहा है, फाइन नेक्स्ट करें, फाइन दिखाया था जाएगा। अब रिप्लेस किसी एक को करना है, रिप्लेस ऑल, ठीक है जी। आपके कंप्यूटर के अंदर जिसमें जहाँ जहाँ एलाइस मटन यूज़ हुआ था वो एलाइट फूड सर्विसेज के नाम पे कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ हमारे पास एक चीज़ बताना चाह रहा था मैं, फाइन रिप्लेस और गो टू, गो टू पर हम आते हैं, गो टू किसे कहते हैं, किसी भी रेफरेंस पे चले जाना, ठीक है। रेफरेंस पे जाने के लिए मैंने किसी सेल नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। एक इसमें बेहतरीन एक लॉजिक बता रहा हूँ, सपोज करें कि हम बार दफ़ा किसी फाइल को इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, ये फाइल मैंने बनाई है, आप में से किसी ने शेयर करने को कहा तो मैंने शेयर कर दिया, मैं डर है कि कोई चेंज ना करे, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट पासवर्ड के जरिए किया जाता है। जनाब ये इतनी बड़ी शीट है, 10 लाख सेल है, मतलब हमारे पास इसके बाद हजारों में रोज़ हैं। अब पासवर्ड लगाए तो पासवर्ड किसको याद रहता है, सपोज़ करें मैंने पासवर्ड लगाया, एक छोटा सा लॉजिक जिसको मैं यूज़ करता हूँ आपको बता रहा हूँ, कि हमने कहा जी यहाँ सेल के अंदर गए, जी 75,900, ठीक है जी 75,900 पाए, बल्कि यहाँ पाते हैं जी जे 75,900 पाते हैं। पासवर्ड मैंने कर लिया माय पास करके, मैंने इसको पासवर्ड यहाँ इसका सेव कर, इसको प्रोटेक्ट किया, पासवर्ड यहाँ सेव किया। प्रोटेक्ट मतलब सिक्योरिटी, लॉग नहीं किया है, बंद नहीं किया, ओपन हो रही है फाइल लेकिन एडिटिंग नहीं हो रही है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ ये याद किया जी, हमने क्या किया जी यहाँ पे जे 75,900 को हमने नोट किया, बस पासवर्ड लगाया जी, मैंने फाइल आपको भेजी, मुझे पासवर्ड भूलने का खतरा था। तो यहाँ पर आ गए, हमने कर लिया जी, अब यहाँ पर जब भी जाते हैं जे 75,900, यहाँ से भी कर सकते हो, ये देखो पासवर्ड तो पहुँचा यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे गो टू करके यहाँ से भी जे 75,900 कर सकते हो, यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड आएगा, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं जी गो टू कमांड। तो मैंने आपको बताया फाइन किसी चीज़ को कैसे करना है, रिप्लेस कैसे कराना है और गो टू कैसे करना है, मुझे गो टू स्पेशल और फार्मूला, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते रहेंगे। व्यूअर्स उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी, क्लास समझ आ गई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें जी। कोई मसला अभी तक आ रहा है जो समझ नहीं आ रही तो इनबॉक्स कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें ताकि मैं इसके दोबारा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू।